नमस्कार मित्रों, सभी भाइयों को राम राम। बालचंद्र सिंह गाजियाबाद से। भाइयों, जब आप लोगों को पता है कि भाई क्या नाम दिल्ली में लॉकडाउन लग चुका है और भी सारे स्टेटों में लगभग लगभग लॉकडाउन लगने की कगार पे है, तो जनता अपना जान बचाने के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए दिल्ली से भाग रही है। जनता दिल्ली एनसीआर से, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हाँ, यहाँ से भाग रही है, ठीक है भाई। और दिल्ली में आप बीमार भी हो गए तो आपको पता है यहाँ ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही, यहाँ डॉक्टर भी नहीं मिल रहे, और मर भी जाओगे ना तो शमशान पे आप लोगों को जगह नहीं मिलने वाली, वहां डेड बॉडी सड़ेगी कई दिनों, इसके बाद लंबा लगेगा जलाने के लिए। जब आप लोगों को इतना सब पता है, इसके बावजूद भी आप ड्राइवर भाई हो हमारे मित्रों, आप लोगों को दिमाग नहीं है, दिमाग से पैदल हो आप लोग, क्या हो यार। मैं बार बार समझा रहा हूँ दो तीन दिन से कि भैया इतनी बड़ी त्रासदी टाइप की, एक प्रकार की बहुत बड़ी त्रासदी है, ठीक है भाई। गवर्नमेंट बेवकूफ थोड़ी है, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा रखा है, सारे देश का काम सत्यानाश कर रखा है, सबको बंद कर रखा है, तो आप लोगों की समझ में नहीं आती ये बात इतनी सी भाई। इतना तो दिमाग सबके होता है, तो आप लोग क्यों जाते हो इतने कम रेट में? कम से कम इतने रेट में तो जाओ भाई, इतने रेट में तो जाओ कि दो पैसे तुम्हें बच जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों साइड का लेके जाओ, इस रेट में तो जाओ कम से कम कि तुम्हारी गाड़ी अगर खाली आ गई तो दो पैसे तुम्हें बच जाए। भाई दबे कोरोना हो जाए ना तो तुम्हारे घर वालों के लिए बच जाए, ठीक है जी, तुम्हारे इलाज के लिए बच जाए। और आप घर में अभी लॉकडाउन में पड़े रहोगे महीनों, तो दो पैसे तुम्हारे जो लॉकडाउन में भूखो मन मरोगे ना, वो भूखे मरने से बचने के लिए दो पैसे बच जाए तुम्हें, ठीक है। राशन पानी ले सको, अपनी गाड़ियों की किस्त भर सको, ठीक है भाइयों। तो ये बात कब समझ में आएगी आपकी भाइयों? थोड़ी सा तो समझो मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ी सा तो दिमाग लगाओ। आप लोग यहाँ से चले जाते हो जी हल्द्वानी ढाई ढाई हजार में भग रहे हो, अब भी भग रहे हो आप। बरेली 25-2500 रुपए में भग रहे हो आप। आप कानपुर वहां से 4-4000 45-45 में भग रहे हो। ये क्या फता रही है ऐसी, तुम्हें बताओ, कोई डंडे मार रहा है क्या यहाँ पे कि कोई तुम्हारा कान पकड़ के कह रहा है कि नहीं तू तो लखनऊ जा? नहीं यार, आप स्वतंत्र हो ना, आपकी गाड़ी है ना, आपको अपने हिसाब से जाना है नहीं जाना है, तो क्यों नहीं जाते यार दोस्तों, ठीक है। मैं आप लोगों को बार बार समझा रहा हूं दोस्तों कि कम से कम इस रेट में जाओ, इस रेट में जाओ कि जब आप वहां से वापस आओ ना तो दो पैसे आपको बच जाएं, क्योंकि वापसी मिलना नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ठीक है। और बच के रहो दोस्तों, मास्क लगा के रखना अपनी गाड़ी में, एसी भी मत चलाना, कस्टमर को मतलब सोशल डिस्टेंस के हिसाब से बिठाना, मतलब आपकी 6+ गाड़ी है तो उसमें 4 ही सवारी बिठाना, सेडान में 2 सवारी मैक्सिमम, 3 बिठा लो, इससे ज्यादा मत बिठाओ, ठीक है जी, ठीक है। धन्यवाद भाइयों, थोड़ी सा आशा करता हूं कि अकल आई होगी जरा सी, सॉरी भाइयों, बुरा लगा होगा कुछ लोगों को।